नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मोदी कैबिनेट ने किया विभागों का बंटवारा। उत्तराखंड से अजय टम्टा को सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री की जिम्मेदारी। सीएम धामी ने दी बधाई। मंगलौर और बद्रीनाथ में विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान। 14 जून को शुरू होगा नॉमिनेशन, 10 जुलाई को वोटिंग, 13 जुलाई को आएगा रिजल्ट। रामनगर की जीआई टैग वाली लीची हुई तैयार। देसी के साथ विदेशी भी चखेंगे स्वाद। बड़े पैमाने पर कटाई का काम जारी। भगवान विश्वनाथ और मां जगदीश शिला डोली रथ यात्रा पहुंची काशीपुर। श्रद्धालुओं ने किया जोरदार स्वागत। 16 जून को होगी संपन्न। और उत्तराखंड में फिर बढ़ने लगा गर्मी का प्रकोप। 14 जून तक राहत नहीं। मैदानी इलाकों में हीट वेव का अलर्ट। पहाड़ी क्षेत्रों में झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना। बढ़ेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड सदन नई दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने सीएम धामी से मुलाकात की। इस अवसर पर सीएम धामी ने अजय टम्टा को नए दायित्व के लिए समस्त प्रदेशवासियों की ओर से बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही सीएम धामी ने अजय टम्टा को लेकर कहा कि अजय टम्टा सदैव प्रदेश के विकास के लिए प्रयासरत रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनका प्रशासनिक अनुभव और जनसेवा के प्रति उनका समर्पण राज्य के विकास में सहायक सिद्ध होगा। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट से तीसरी बार लगातार सांसद बने अजय टम्टा को मोदी कैबिनेट और एनडीए सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए जाने पर सोमवार को लोहाघाट में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह फर्त्याल के नेतृत्व में मिष्ठान वितरण किया, आतिशबाजी की। इस दौरान पूर्व विधायक फर्त्याल ने सांसद अजय टम्टा को राज्य मंत्री बनने पर खुशी जाहिर की और कहा कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में सांसद टम्टा की जीत का प्रतिशत लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा रहा है। विशेष तौर पर मैं आज अपनी विधानसभा लोहाघाट के उन देवतुल्य कार्यकर्ता और सम्मानित मतदाता जिनके समर्थन से पूरे अल्मोड़ा लोकसभा में 14 की 14 विधानसभाओं में जो कांग्रेस और बीजेपी को पड़े मत है उनका अंतर सबसे ज्यादा लोहाघाट विधानसभा में रहा है। इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम, चाहे प्रभारी हैं, संयोजक हैं और यहाँ के मेन प्रभारी जो दीपक मेहरा जी थे उनकी कार्यकुशलता और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो यहाँ पर विकास कार्य किए और उनपे लोगों ने जो विश्वास किया, जनपद चंपावत अपने आप में अल्मोड़ा में सबसे पहले स्थान पर रहा, उसके लिए सबको धन्यवाद दूंगा। केंद्र की एनडीए सरकार में अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र से तीसरी बार जीत कर सांसद निर्वाचित हुए अजय टम्टा को मोदी सरकार में दूसरी बार मंत्री बनने पर सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने शिखर तिराहे पर मिष्ठान वितरण कर जोरदार आतिशबाजी की खुशी का इजहार किया है। वहीं भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने कहा है कि पीएम मोदी के पिछले 2 साल के कार्यकाल में करोड़ों की विकास योजनाओं में कार्य हुआ है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में राज्य में ऐतिहासिक कार्य होने वाले हैं। हमारा ये अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र सीमांत संसदीय क्षेत्र है। 3 सीमाएं इसकी विदेशी सीमाओं से घिरी हुई हैं। टम्टा जी लगातार अपने क्षेत्र के लिए कर्मठता से काम भी करते हैं
और अधिकांश नेतृत्व को उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में न्योता देकर बुलाया, प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री जी हों, रक्षा मंत्री जी हों, विदेश मंत्री जी हों, और आगे भी, क्योंकि एक कर्मठ व्यक्ति को यदि अवसर मिलता है तो सबके विकास के लिए, सबकी समस्याओं के समाधान के लिए कारगर सिद्ध होता है। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद लालकुआ में क्षेत्रीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट की मौजूदगी में भाजपा नेताओं ने एक दूसरे को मिष्ठान खिलाकर खुशी का इजहार किया है। इस दौरान पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए हैं। वहीं भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने कहा है कि यह ऐतिहासिक मौका है जब पीएम मोदी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण की है। देखिए ये तो स्वाभाविक ही था और ये तय था कि माननीय मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनना है। और जिस प्रकार से लोगों ने भरपूर समर्थन एनडीए को दिया है, उससे ये हम लोग निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस कार्यकाल में भी जो बड़े कार्य होने हैं वो उन कामों को करने में हमारी प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार कामयाब रहेगी। मोदी सरकार 3.0 में एक बार फिर से उत्तराखंड को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जगह मिली है, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने केंद्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद करते हुए अल्मोड़ा से सांसद केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा को बधाई दी है और कहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री धामी ने 2025 तक उत्तराखंड को देश के सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का सपना देखा है, उसे पूरा करने में सहयोग मिलेगा। ये सौभाग्य की बात है और ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो उत्तराखंड राज्य को एक मंत्री हमें हमारे हिस्से में दिया है, तो निश्चित रूप से बहुत स्वागत योग्य निर्णय केंद्रीय नेतृत्व द्वारा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा लिया गया है। और आदरणीय अजय टम्टा जी के अनुभव के आधार पर, उनकी योग्यता के आधार पर, उनके संसदीय अनुभव के आधार पर, क्योंकि वो तीन बार के अभी सांसद चुने गए हैं, इससे पूर्व में वो राज्य में भी कैबिनेट मंत्री के रूप में अपनी सेवा दे चुके हैं, निश्चित रूप से उनका अनुभव का लाभ हमारे राज्य को भी मिलेगा। देखिए 400 पार का नारा देने वालों को कम से कम ये तो समझ में आ गया कि पूरे देश में व्यापक स्तर पर उनका जो दलित वोट बैंक है वो उनके पैरों के नीचे से खिसक चुका है। इसलिए जातियों को साधने का अब काम बखूबी वो कर रहे हैं। जातीय जनगणना की बात जब इंडिया ब्लॉक करता है तो वो बैकफुट पर आ जाते हैं, लेकिन अगर उत्तराखंड से ज्यादा मतों से हराने वाले सांसद थे तो फिर अजय टम्टा को बनाना इसी बात का द्योतक है कि आप एक जाति विशेष को साधना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं कपड़ा मंत्री रहते हुए कोई ऐसे कीर्तिमान तो स्थापित किए नहीं अजय टम्टा ने, और आधे उत्तराखंड को तो शायद जानकारी भी नहीं है कि वो कपड़ा मंत्री रह चुके हैं, क्योंकि अल्मोड़ा संसदीय सीट को अजय टम्टा के मंत्री रहते हुए कोई लाभ मिलते हुए हमने नहीं देखा। हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे वीरेंद्र रावत अपनी चुनावी हार के लिए भाग्य को दोष दे रहे हैं। हरिद्वार प्रेस क्लब में मीडिया से बातचीत करते हुए वीरेंद्र रावत ने कहा है कि उन्होंने और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने चुनावों के दौरान बहुत मेहनत की थी। ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं उनकी आशाओं पर नहीं खरा उतर पाया, लेकिन मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगले 5 वर्षों में जो है, जो भी हमारे यहाँ चुनाव रहेंगे, आने वाले हमारे नगर निगम के चुनाव हैं, विधानसभा के चुनाव हैं, उसमें लगातार हम सक्रिय रहेंगे और जो है पार्टी को खड़ा करने का काम करेंगे। सभी सीनियर लीडर्स इस पर बैठेंगे, बातचीत करेंगे, और जो कमियां रह गई, कुछ कमी तो रही गई हमारे से, शायद मेरा भाग्य ठीक नहीं रहा, नहीं तो सबने बहुत मेहनत की। पीएम मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर शपथ लेने के बाद बगलामुखी उपासक अमर बालक शास्त्री ने हर की पैड़ी पहुंचकर मां गंगा की पूजा अर्चना करते हुए दुग्धाभिषेक किया है और पीएम मोदी के शपथ लेने की खुशी में हर की पैड़ी पर लड्डू भी बांटे हैं।
मेरा ये मानना था जी कि जिस प्रकार से समीकरण बने हुए थे उस प्रकार से देश में बहुत अस्थिरता नज़र आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि यादव नीतीश जी या चंद्रबाबू नायडू को किसी तरीके से बहका के अपने साथ मिलाया जा सकता है। और मेरा ये मानना था कि अगर ऐसा हुआ तो देश में काफ़ी अस्थिरता आ जाएगी, क्योंकि एक तरफ वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 10 साल शासन किया है और एक तरफ वो पार्टी हैं जिनके काफ़ी लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो उसमें खतरा ये था कि वो 4 बनेंगे 5 बनेंगे तो देश में बहुत ज़्यादा अस्थिरता आ जाती। उत्तराखंड की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी टनकपुर पहुंची, जहां उन्होंने सेवा संकल्प फाउंडेशन के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए बच्चों के साथ मिलकर काफी अधिक संख्या में वृक्षारोपण किया है। वहीं उन्होंने वृक्षों के संरक्षण के लिए जागरूक भी किया है। आज का ये जो वातावरण है, ये पर्यावरण है, इसका संरक्षण बना रहे, संवर्धन बना रहे और हमारी प्रकृति हमेशा हरी भरी रहे, लहराती रहे, सभी को शुद्ध हवा, जल, फल, फूल हमेशा मिलता रहे, इसके लिए सेवा संकल्प के माध्यम से ये बृहद वृक्षारोपण का हम लोग जगह जगह में आयोजन कर रहे हैं, जिसमें सभी लोगों जो है बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत खुशी के साथ इस वृक्षारोपण में अपनी सहभागिता दे रहे हैं। भारतीय चुनाव आयोग ने देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसके लिए 14 जून को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए मतदान किया जाएगा, जबकि 13 जुलाई को मतगणना की जाएगी। उपचुनाव के प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया 14 जून को शुरू होगी और 21 जून तक चलेगी, जबकि 26 जून को नाम वापसी की तारीख तय की जाएगी। बाय इलेक्शन माननीय निर्वाचन आयोग ने आज कैलेंडर जारी किया है। इस कैलेंडर में मुख्य गेजिट नोटिफिकेशन 4 जून को जारी होगा। आज है 10 तारीख, मतलब 4 दिन के बाद गेजिट नोटिफिकेशन जारी होगा। नॉमिनेशन की फाइलिंग की अंतिम तिथि ये है 21 जून को, मतलब आज से 11 दिन के बाद नॉमिनेशन फाइलिंग की लास्ट डे है। और स्क्रूटनी, नॉमिनेशन की स्क्रूटनी है 24 जून तारीख को है नॉमिनेशन की स्क्रूटनी। और विड्रॉल है, जो कैंडिडेट की विड्रॉल, जो भी कैंडिडेट विड्रॉ करना चाह रहा है, वो 26 जून को होगी, बुधवार को। और डेट ऑफ पोल होगी 10 जुलाई को, ये है वेडनेसडे को होगी, बुधवार को ये भी, 10 जुलाई को। और काउंटिंग होगी 13 जुलाई को, शनिवार को, 13 जुलाई शनिवार को काउंटिंग होगी। और पूरा प्रक्रिया, मतदान प्रक्रिया 15 जुलाई सोमवार को खत्म होगी। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। इधर 10 जुलाई को प्रदेश की 2 विधानसभाओं मंगलौर और बद्रीनाथ के लिए मतदान होगा, जबकि 13 जुलाई को मतगणना होने वाली है। बता दें कि मंगलौर विधानसभा के बसपा विधायक शरबत कलीम अंसारी के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी, जबकि बद्रीनाथ विधानसभा की कांग्रेस पार्टी के विधायक राजेंद्र भंडारी ने अपने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था और भाजपा की सदस्यता ले ली थी। ऐसे में दोनों विधानसभाओं के लिए उपचुनाव होने जा रहा है। पार्टी हमेशा हर चुनौती को पार करने के लिए तत्पर रहती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा तत्पर रहता है।
भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और कर्मठ हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्टी के नेतृत्व में हम इन दोनों चुनौतियों को पार करेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। अच्छी बात है, उपचुनाव की घोषणा हो गई है तो इसका हम स्वागत करेंगे। वैसे भी जो है हम पहले से ही बद्रीनाथ जी और किधर ये मंगलोर में उपचुनाव की मांग कर रहे थे। जैसे ही देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई थी तो कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त से मिला था और हमने कहा था कि तत्काल यहाँ भी जो है लोकसभा के साथ जो है चुनाव कराए जाए, लेकिन देरी से ही चुनाव की घोषणा हो गई। हमारी पहले से ही वहाँ पर तैयारियाँ हैं और बद्रीनाथ में जिस तरीके से जो है पूर्व विधायक ने जो है पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, बद्रीनाथ की जनता का विश्वास तोड़ने का काम किया, तो बद्रीनाथ की जनता उनसे बदला लेने के जो मूड में है। और मंगलोर में भी आप देखिए कि लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी की अच्छी खासी बढ़त है, तो निश्चित तौर पर दोनों विधानसभा उपचुनाव में हम प्रचंड जीत दर्ज कराने में कामयाब रहेंगे। आज शहरों में अतिक्रमण एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रही है। राजधानी देहरादून में भी नदियों के किनारे और खाली जगहों पर अतिक्रमण कर बस्तियां बसाई जा रही हैं। समय समय पर बस्तियों में बसे लोगों को नोटिस दिया जाता है और कभी कभी इन्हें हटाने की भी कार्रवाई की जाती है। हर बार अतिक्रमण को लेकर एक सवाल उठता है कि जब वो बसते हैं तब उनको पानी, बिजली, सड़क की व्यवस्था कौन करता है? तो पता चलता है कि वोट बैंक के खातिर जनप्रतिनिधि ही उनको बसाते हैं। देखिए, मैं इस बारे में आपसे कहना चाहूंगा कि स्मार्ट सिटी का जो 80% का लगभग कार्य मेरी ही विधानसभा में राजपुर रोड में हुआ है, जिसमें 10 वार्ड चिन्हित किए गए हैं। और इसको लेकर के मैं कल एक बहुत बड़ी बैठक अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के करने वाला हूं, क्योंकि बारिश का जिस तरह से अलर्ट किया गया और कहा गया है कि इस समय अधिक बारिश हो सकती है, तो इसके निमित्त कल ही हम बैठक करेंगे और जहाँ पर पानी भराव की स्थिति है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। ये मैं अधिकारियों को कल निर्देश देने वाला हूं। साल में लगातार जाम की स्थिति स्थानीय लोग झेल रहे हैं, वहीं सरकारी कर्मचारी समय पर नहीं पहुंचते जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्कूली बच्चे लगातार जाम में फंस रहे हैं। जाम की वजह से वाहनों की 10 किलोमीटर लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। वहीं प्रदीप दुमका का कहना है कि हर साल प्रशासन कहता है कि पार्किंग व्यवस्था की जाएगी, लेकिन पूरा सीजन चला जाता है, व्यवस्था वैसी की वैसी बनी रहती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त नैनीताल में पर्यटक सीजन चरम पर है और हजारों पर्यटक प्रतिदिन नैनीताल और नैनीताल के आसपास के क्षेत्रों में आ रहे हैं। और जब से कैंची धाम प्रसिद्धि पर आया है तब से और भी ज़्यादा पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है और इसका परिणाम ये हुआ है कि सड़कों की चौड़ाई तो उतनी ही है जो ब्रिटिश टाइम पर ब्रिटिश लोग छोड़ गए थे और आज भी जो है सड़कें उतनी ही चौड़ी हैं, लेकिन वाहनों की संख्या और पर्यटकों की संख्या 10 गुना 15 गुना 20 गुना बढ़ गया। वही हालत जो है नैनीताल की सड़कों का है, तल्लीताल हो, मल्लीताल हो, डाट हो, सब जगह जाम की स्थिति बनी हुई है। तो ये समझिए कि हर व्यक्ति को जो वाहन आता है नैनीताल में किसी भी कार्य का, हाईकोर्ट आ रहा हो या स्कूल आ रहा हो, उनको कम से कम 2-2 घंटे 3-3 घंटे लग जा रहे हैं आने में। मॉनसून को नज़दीक आता देखते हुए नगर निगम हल्द्वानी शहर के अंदर बने नालों की सफाई में लोग जुट गए हैं। जलभराव की समस्या को देखते हुए नगर आयुक्त ने हल्द्वानी में सभी नालों को साफ करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा शहर के अंदर 15 बड़े ऐसे नाले हैं जिनकी औसतन लंबाई 1 से 2 किलोमीटर के आसपास है। इन नालों की सफाई का टेंडर जारी कर दिया गया है। नालों की सफाई के लिए यदि ज्यादा मैन पावर की आवश्यकता पड़ेगी तो उनको बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। तो
पूरे नगर निगम में 60 वार्ड हैं, इसमें सभी छोटी बड़ी नाले नालियों की साफ़ सफाई का जो है कार्यक्रम नगर निगम की टीम के द्वारा किया जा रहा है। 15 बड़े नाले हैं जिनकी ऑन एन एवरेज 1 किलोमीटर, कोई 2 किलोमीटर, कोई 500 मीटर की लंबाई का है, तो 15 नालों की जो लंबाई है वो लगभग 15 किलोमीटर है। उसके लिए प्रत्यक्ष से टेंडर करके साफ सफाई की जा रही है और इन सभी नालों की साफ़ सफाई का एक थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाएगा। इसके अलावा रक्सिया नाले में भी हमको आपदा मद से धनराशि प्राप्त होने की संभावना है और हम लोगों ने अपना कार्य वहाँ पर भी शुरू कर दिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए चैलेंजिंग टास्क है वो रक्सिया नाला है, जहाँ पर कई बार जलभराव की स्थिति उत्पन्न होती है। वन विभाग के दरोगा बीएस गुसाई के द्वारा जोशीमठ के फायर स्टेशन में टेलीफोन से सूचना दी गई कि सेलंग गांव के समीप जंगल में फिर एक बार आग लग चुकी है। बता दें कि सूचना मिलते ही फायर यूनिट के जवान अग्नि दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हुए। घटना स्थल पर पहुंचकर तत्काल फायर सर्विस यूनिट के जवानों ने मिनी हाई प्रेशर के होज ड्रिल के माध्यम से पंपिंग कर आग पर पानी फेंका और आग को पूरे तरीके से बुझा दिया, जिसको लेकर जोशीमठ के लोगों ने एक बार फिर से राहत की सांस ली। चंपावत जिले के बाराकोट क्षेत्र के चौमेल में शादी में शामिल होने जा रहे चंपावत निवासी पूर्व सैनिक पंकज पांडे की मंगोली के पास गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद टीम के द्वारा फायर स्टेशन लोहाघाट को सूचना दी गई। सूचना पर फायर टीम FSSO चंदन राम के नेतृत्व में घटनास्थल पर पहुंची। फायर टीम ने रात के अंधेरे में कड़ी मशक्कत के बाद पूर्व सैनिक को गहरी खाई से निकाला और 108 के जरिए उन्हें लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। हमें 112 से सूचना मिली थी कि चौमेल में लगभग 10 बजे के आसपास से सूचना मिली थी कि चौमेल में एक व्यक्ति की बाइक खड़ी है, उसका मोबाइल है पैरापिट का और संभवतः वो खाई में गिर गया है। तो सूचना पे पुलिस भी गई, फायर सर्विस को भी भेजा गया, पता चला तो खाई में नीचे गिरा हुआ था, तो उसको फायर सर्विस की मदद से निकाला गया। खटीमा पुलिस ने 5 जुआरियों को उस समय पकड़ा जब वो एक व्यक्ति के खेत में जुआ खेल रहे थे। पुलिस को सूचना मिली कि 17 मेल चौकी के अंतर्गत बड़ा फार्म में दारा सिंह के खेत में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ जारी है। दिनांक 9/6/2024 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम दा फार्म में दारा सिंह के खेत में जुआ चल रहा है। इस सूचना पर चौकी मझोला इंचार्ज और अपने कर्मचारियों के साथ मौके पर गई, तो जो है वहाँ पर काफ़ी लोग खेत में अड्डा बनाते हैं जुआ खेलने के लिए। जैसे पुलिस पार्टी वहाँ पर पहुँचे तो अन्य लोग आ गए, 5 लोग पकड़े गए और उनकी गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें और कारें भी वहाँ पर थी, जिनको करीब 6-7 मोटरसाइकिलें और 2 कारों को कब्जे पुलिस में लिया गया है और 5 अतिरिक्त को सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया है। मैं मार पड़ा। सोमवार को रामनगर कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध चाकू, तमंचा और कारतूस बरामद किया है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाली के वरिष्ठ निरीक्षक मनोज ने बताया है कि मुखबिर की सूचना पर उप निरीक्षक भुवन चंद्र जोशी और पुलिस कर्मियों ने महादेव मंदिर कोसी रोड के किनारे मंदिर की दीवार के नीचे से 1 अदद देसी तमंचा, 2 कारतूस 12 बोर के साथ 1 अदद चाकू बरामद किया है। इस दौरान 2 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कल पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी कि 2 व्यक्ति लट्ठा महादेव मंदिर के किनारे, कोसी नदी के किनारे कुछ अवैध असलों के साथ बैठे हुए हैं, जिस पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर गई। मौके पर अभियुक्त सौरभ लाल को 12 बोर तमंचे व 2 जिंदा कारतूस के साथ व दानिश कसार को 1 अदद चाकू के साथ गिरफ्तार किया, जिनके खिलाफ
थाना हाजर पर पंजीकृत किया गया है। आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।